हाँ वे फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए स्टडी प्लान के नाम पे आपको डेली नया ज्ञान सुनने को मिलता है, और इस नए ज्ञान में एक पुरानी बात हमेशा रिपीट की जाती है कि अगर नीट में अच्छी रैंक लाना है तो बस एनसीईआरटी अच्छे से कर जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या पीसीबी की ओनली एनसीईआरटी अच्छे से करके आप नीट में अच्छी रैंक ला सकते हैं? क्या आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना होगा? क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए? देखो, इस पे तो एक अलग वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम ओनली ये बात करेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा वो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जहां से आप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आज का टाइम ऐसा है भाई, हमारे पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, हमारे पास बुक्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सी बुक्स अच्छे से फॉलो करनी है, कितना स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। आधे बच्चे तो इसी में फंस के रह जाते हैं। अगर आप थोड़े टाइम पहले की बात करेंगे, आप अपने मम्मी पापा के टाइम की बात करेंगे, अपने बड़े भाई बहन या अपने सीनियर से पूछेंगे, तो वो कहेंगे हमारे टाइम पे इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास कुछ बुक्स होती थी और हम थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे, हमारे अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतना स्टडी मटेरियल, इतना गाइडेंस और इतनी बुक्स होते हुए भी आप अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास एक्सेस में है। आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे ये पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है और इसको अवॉइड करना है, तब तक आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कौन सी बुक्स है जो आपको अच्छे से फॉलो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले बायोलॉजी में थियोरी के लिए हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एनसीईआरटी ही गीता है। क्योंकि जब से एनटीए ने नीट एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तब से आपके एग्जाम में बायो में ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए थियरी के लिए आपको एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ना है, अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स किसी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं या जिसने पहले ही किसी टीचर से बायो पढ़ रखा है, तो वो अपने नोट्स भी एनसीईआरटी के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि ओनली नोट्स पे फोकस करते रहेंगे और एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। ध्यान देना है, आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको बायो की एनसीईआरटी को देना है, तभी आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर रहे, यानी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तो ये तो हुई थियरी बुक की बात। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेटजी वाली वीडियो में पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं, आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे, कम करेंगे, बार बार उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कितने करने हैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पर चैप्टर 200 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। वहीं पे बात की जाए बायो में, तो बायो में आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अराउंड 400 क्वेश्चन पर चैप्टर भी अगर आप करेंगे, दैट इज गुड। तो इतना कर लो, इतना काफी है। अब देखो, अगर बात की जाए बायो में 400 क्वेश्चन कहां से करेंगे, सबसे पहले देखो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करने हैं, इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। देखो, ये एमटीजी पब्लिकेशन की एक बुक है जहां से आपके नीट एग्जाम में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या सिमिलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये बुक करना मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप ये बुक करेंगे। इस बुक में आपको पर चैप्टर 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये अच्छे से कर लो, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एमटीजी गाइड या एमटीजी चैंपियन, सिंगेज ऑब्जेक्टिव, या अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या पहले आपने पढ़ा है, कोचिंग का मॉड्यूल है, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, ये सारी बुक्स नहीं करनी, इनमें से कोई एक करनी, गाइड करो या चैंपियन करो, इन दोनों में से नहीं कर रहे तो सिंगेज ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं या कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हो, कोई एक करना है। और एक बात यह भी ध्यान रखना है, खास करके बायो में,
अगर इनमें से किसी भी बुक में या मॉड्यूल में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नजर आए तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो में ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी पूछा था कि सर एमटीजी गाइड करें या एमटीजी चैंपियन करें। देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, जो एमटीजी गाइड बुक है भाई इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो नीट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, और इसमें थ्योरी भी गिवन है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एमटीजी ने अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए बच्चों को, यानी एमटीजी पब्लिकेशन के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, तो ये तो आपका एमटीजी गाइड में मिलेगा। अब अगर बात की जाए एमटीजी चैंपियन की, तो एमटीजी चैंपियन में आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे नीट के, अदर स्टेट पीएमटीज के, यानी अदर एग्जाम्स के जिनमें बायोलॉजी आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एमटीजी चैंपियन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया गया है, थ्योरी हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किसी भी बुक से कर सकते हैं, तो एमटीजी चैंपियन आप करेंगे ज्यादा बेटर है। इसमें आपको अराउंड पर चैप्टर 150 से 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि एमटीजी चैंपियन में आपको पर चैप्टर 200, 250, इवन बड़े चैप्टर में 300 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एमटीजी चैंपियन करें, और अगर पहले ही आपने एमटीजी गाइड कर लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमटीजी गाइड से भी आप कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास सिंगेज ऑब्जेक्टिव है तो उनको इन दोनों में से कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखो भाई यहां पे अगर आपको एमटीजी की, आप कोई भी एमटीजी की बुक बाई करते हैं, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करेंगे तो वहां पे है ना आपको एक प्रोमो कोड नजर आएगा, जैसे कुछ बुक्स पे बीवाइज 35 है, कुछ पे बीवाइज एनसी है, तो वो प्रोमो कोड अप्लाई करके आपको 35% तक ऑफ मिल सकता है। ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और आप जानते हैं मैंने एमटीजी के लिए एमसीके और रीजनिंग की बुक लिखी थी, तो मैंने उनको बोला कि कम से कम आपको मेरे स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट देना होगा, तो बोले सर मैक्सिमम 35 है, इसमें से आपको कुछ चाहिए तो आप रख सकते हैं। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली मेरे बच्चों को चाहिए, तो 35% डिस्काउंट यहां से आपको मिल रहा है, तो आप ये बुक कोई भी बुक बाई कर सकते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट डायरेक्ट एमटीजी की साइट से मिल जाएगा। तो इसका साथ एक पीडीएफ भी हमने बनाई है, उस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पीडीएफ में बुक बाय करने का लिंक, बुक एक स्पेसिफिक बुक के लिए प्रोमो कोड क्या है, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नीट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो भाई आप अगर सिंगेज ऑब्जेक्टिव या मॉड्यूल कर रहे हैं, देखो कोचिंग के मॉड्यूल में भी मिल जाते हैं, सिंगेज ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं, एमटीजी चैंपियन गाइड में भी आ रहा है, तो ये अलग से आपको बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि ओनली 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करने हैं। क्या करना है, ओनली 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको 15 ईयर या 20 ईयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पैटर्न अलग होता था क्वेश्चंस का, आजकल का पैटर्न अलग है, इसलिए ओनली 10 ईयर ही करेंगे। फिर नेक्स्ट है डू नॉट रीड बुक। देखो भाई जैसे ट्रूमैन है, कुछ बच्चे ट्रूमैन पढ़ते हैं, अदर हाई लेवल बुक पढ़ते हैं, या कोचिंग के मॉडल से थ्योरी पढ़ते हैं, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक बोली गई है ये अच्छे से कर लो, आप बायो में आराम से 360 का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है केमिस्ट्री के बारे में। देखो भाई केमिस्ट्री में मस्ट रीड में कौन सा आएगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, और जहां से भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपके सर के नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो वो नोट्स आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी साथ के साथ जरूर पढ़ते चलें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गांव में पढ़ाई कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोचिंग का हाई फी अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते, तो उनके पास अच्छे नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स में से एक हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बीवाइज क्लासेस की तरफ से आपको कोटा क्लासरूम के फ्री पीडीएफ नोट्स बीवाइज क्लासेस ऐप पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये पीडीएफ नोट्स कब से अवेलेबल होंगे, इन नोट्स को आपको अच्छे से कैसे फॉलो करना है, आप इनसे सेल्फ हैंड रिटन इफेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हैं, या पीडीएफ को ही फॉलो करते हुए अच्छे से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इस पे डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रखें। और इन नोट्स की खास बात क्या रहेगी, देखो भाई ये पहले ना आपके लिए मैंने 2017 के पीडीएफ नोट्स अपलोड करके थे, अब आपको इनको फॉलो नहीं करना, ये जो न्यू नोट्स है इनको फॉलो करना है, क्योंकि इनमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से कवर्ड है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद
जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। और अगर आप कहीं पे किसी चैप्टर की आपकी एनसीईआरटी छूट भी जाती है तब भी आपको टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि न्यू नोट्स में आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। देखो हर बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स कोचिंग का हाई फी अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, बीवाइज क्लासेस के नोट्स और बीवाइज क्लासेस की टेस्ट सीरीज अच्छे से कर लेते हैं और केमिस्ट्री में इजिली 170 प्लस तक स्कोर करते हैं। देखो जैसे इस बार भी मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे स्कोर शेयर किए हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली नोट्स से और टेस्ट सीरीज से अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर किया है। ठीक, तो आप प्लीज इन न्यू नोट्स को जरूर फॉलो करें। फिर इसके बाद बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग वीडियो में बात की जाएगी। फिर नेक्स्ट है एमटीजी गाइड, एमटीजी चैंपियन, सिंगेज ऑब्जेक्टिव या कोचिंग मॉड्यूल, इनमें से आप कोई एक फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एक को अच्छे से फॉलो करो, दैट इज मोर देन एनफ। फिर इसके बाद नीट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो इसमें कवर हो जाएंगे। भाई यहाँ पे मैं बार बार 10 ईयर क्यों लिख रहा हूँ, देखो पहले मैं आपको ये बोलता था 30 ईयर करो, 32 ईयर करो, अब वो नहीं करना क्योंकि पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है, पैटर्न आपका इजी होता जा रहा है। अगर आप लास्ट 10 ईयर पीसीबी की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ओनली 10 ईयर भी अच्छे से कर लेंगे, आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, अलग से आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और वो यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। अगर अलग से भी आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद इतना कुछ करने के बाद अगर आप केमिस्ट्री में और क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बीवाइज क्लासेज की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन जरूर ज्वाइन करें, जहां पे पर चैप्टर आपको दो टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक टेस्ट में तो 45 क्वेश्चन है और एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, यानी एक तो ओल्ड पैटर्न पे है, एक न्यू पैटर्न में है। जैसे ही आपका नीट 2022 में किसी भी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, दोनों पैटर्न की प्रिपरेशन आपकी पैरेलल चलती रहेगी। तो प्लीज बीवाइज क्लासेस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, टेस्ट अटेम्प्ट करके, जिस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होती है या जो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते उसका वीडियो सॉल्यूशन देख करके अपनी मिस्टेक नोट डाउन करके रिवाइज करें, ताकि केमिस्ट्री में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। फिर इसके बाद आते हैं भाई कौन सी बुक्स आपको नहीं पढ़नी। देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा स्कोर करने के लिए जेडी ली पढ़ेंगे, जीआरबी पब्लिकेशन पढ़ेंगे, पीटर साइक या क्लेडन ऑर्गेनिक के लिए पढ़ते हैं, ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक्स देखो किसके लिए है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीके जायसवाल, एन अवस्थी या एम एस चौहान करते हैं, इनमें से आपको कोई भी बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक वो स्टूडेंट्स करते थे जिनको एम्स दिल्ली में जाना था, कब, जब एम्स एग्जाम होता था, एम्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल एम्स तो है नहीं, सबके लिए नीट एक कॉमन एग्जाम है, नीट में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टफ बुक्स पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इन बुक्स को पढ़ने से अच्छा है आप फिजिक्स में और ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री में और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली एनसीईआरटी करो, बीवाइज क्लासेस के नोट्स पढ़ो और आप टेस्ट सीरीज से और ये जो बुक्स मैंने आपको बताई इनसे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, दैट विल बी मोर देन एनफ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहले है मस्ट रीड बुक्स। देखो भाई जिस भी टीचर के पास आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या जिस भी कोचिंग में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने सर के नोट्स अच्छे से फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी इसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स की एनसीईआरटी बोरिंग लगती है, उनको पढ़ने में टफ लगती है, इसलिए मैं आपको कहूंगा भाई फिजिक्स में जो थियोरेटिकल चैप्टर है या यूं कहें आपके 12th क्लास के जो लास्ट के चैप्टर है, जैसे सेमीकंडक्टर है या मॉडर्न फिजिक्स है, ये वाले चैप्टर आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में इन चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद बात आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अलग वीडियो में बात की जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे एमटीजी फिंगर टिप्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में करने की कोई जरूरत नहीं है और एमटीजी गाइड, एमटीजी चैंपियन, सिंगेज ऑब्जेक्टिव, कोचिंग मॉड्यूल, इनमें से कोई एक बुक आप अच्छे से सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनमें आपका कवर हो ही रहा है। बस आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, चाहे केमिस्ट्री है चाहे फिजिक्स है, पर चैप्टर आप 200 क्वेश्चन अच्छे से कर लें। कोई छोटा चैप्टर है जैसे हाइड्रोजन है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें तो 50 क्वेश्चन भी काफी है, एस ब्लॉक है उसमें 100 क्वेश्चन काफी है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऐसे चैप्टर में आप आराम से 200 क्वेश्चन जरूर करें। ठीक, फिर इसके बाद डू नॉट रीड, देखो भाई डीसी पांडे है, एचसी वर्मा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि मुझे टॉप में रैंक लाना है, भाई ये बुक्स जो है जैसे एचसी वर्मा यार आईआईटी के लिए है, जब एम्स एग्जाम हुआ करता था एम्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके लिए बच्चे पढ़ते थे, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस और नीट के लिए एचसी वर्मा बुक्स जैसी बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, आपके पास जो सर के नोट्स अवेलेबल है वो अच्छे से पढ़ो, पर चैप्टर भले ही आप इजी क्वेश्चन करो बस 200 क्वेश्चंस कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो ये थी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की
नीट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स इतना अच्छे से कर दो, इतना आपके लिए काफी रहेगा। अब आपको एनसीईआरटी इफेक्टिवली कैसे पढ़ना होता है, एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं, एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मंथ वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, या आपको रिवीजन कैसे करना है, लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करते हैं, इस पे डिटेल्ड स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहां या यहां पे इस लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।